सो इस वीडियो में मैंने शेयर करा कैसे तुम अपने विंडोज डेस्कटॉप पे ऐसे म्यूजिक विजुलाइजर को ऐड कर सकते हो. करना क्यों, दिखने में बढ़िया लगता है इसलिए. सो आई एम रवनीत, दिस इज सदक टाइप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले तुम्हें रेनमीटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा एंड इसका लिंक एंड बाकी जो भी चीज़ें इस वीडियो में यूज होने वाली हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो रेनमीटर अपनी मेन एप्लीकेशन है एंड इसकी हेल्प से तुम बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हो अपने विंडोज सिस्टम पे. इंस्टॉल हो जाने के बाद कुछ प्री लोडेड विजेट्स मिलेंगे तुम्हें, तो इन पर राइट क्लिक करके अनलोड कर देना इन्हें. अब इंटरनेट पे बहुत सारे स्किन्स अवेलेबल हैं रेनमीटर की एंड उनमें से म्यूजिक विजुलाइजर्स भी बहुत सारे हैं, बट मैं इस वीडियो के लिए मॉन्स्टर कैट स्किन को यूज करने वाला हूँ. सो मॉन्स्टर कैट स्किन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पे एंड ये सेटअप स्क्रीन आ जाएगी एंड यहाँ से तुम अपने विजुलाइजर की हाइट, सॉन्ग बैनर इन्फॉर्मेशन, ये सब की हाइट वगैरह को चेंज कर सकते हो. बट उसके पहले यहाँ मीडिया प्लेयर में आके यहाँ वेब नाउ प्लेइंग को सिलेक्ट कर लेना. अब तुम्हें अपने ब्राउजर में आना होगा एंड वेब नाउ प्लेइंग का एक कंपेनियन एक्सटेंशन भी आता है, तो उसको इंस्टॉल कर लेना अपने ब्राउजर में. एंड अब जो भी तुम म्यूजिक सर्विस को यूज करते हो उसकी वेबसाइट पे आके कोई भी गाना चला दो. एंड अब जो तुमने वेब नाउ प्लेइंग एक्सटेंशन को इंस्टॉल करा था उसे अपनी म्यूजिक स्ट्रीमिंग वेबसाइट का एक्सेस देना होगा. तो ईजी है ये भी, जस्ट वेब नाउ प्लेइंग एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना एक बार या उस पर राइट क्लिक करके उस स्पेसिफिक वेबसाइट का एक्सेस दे देना. एंड ये सब करके हो रहे हैं तो म्यूजिक विजुलाइजर को कस्टमाइज करना है तो पहले म्यूजिक विजुलाइजर का ऑन होना भी तो जरूरी है. तो ये सब करने के बाद म्यूजिक विजुलाइजर ऑन हो गया होगा तुम्हारा. तो अब सब कुछ मिनिमाइज करके मॉन्स्टर कैट के सेटअप स्क्रीन पे आ जाना एंड अब अपने हिसाब से हाइट को चेंज कर लो विजुलाइजर की. सॉन्ग इन्फॉर्मेशन तुम्हें कितनी बड़ी चाहिए वो सब चेंज कर सकते हो एंड इस पे क्लिक करके तुम ड्रैग भी कर सकते हो, तो जहां पे तुम्हें रखना इसको रख लो. एंड ये सब करने के दौरान रेनमीटर एक दो बार क्रैश करेगा जरूर, तो घबराना नहीं है, रेनमीटर को फिर से चला देना एंड फिर से तुम वही सेटअप स्क्रीन पे पहुंच जाओगे. एंड जब तुम हाइट पोजीशन वगैरह को सेट कर लो तो यहां से तुम शो प्रोग्रेस वाले पे टिक कर सकते हो. इसकी हेल्प से तुम गाने में आगे पीछे आ पाओगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइट स्किन एंड इग्नोर साउंड दोनों पे टिक कर देना, जिससे कि जब कोई गाना प्ले ना हो रहा हो तो म्यूजिक विजुलाइजर दिखे ना एंड जब गाने के अलावा और कुछ प्ले हो रहा हो तो म्यूजिक विजुलाइजर अपने आप चालू ना हो जाए. सो अब विजुलाइजर टैब में आना एंड यहाँ से तुम इंडिविजुअल विजुअल बार्स को कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से. तुम्हें ये बार की कितनी चौड़ाई चाहिए, दो बार्स के बीच में कितना गैप चाहिए, कितनी टोटल नंबर ऑफ बार्स चाहिए, ये सब यहाँ से चेंज कर पाओगे. एंड इसके अलावा सेंसिटिविटी एंड स्मूथिंग लेवल से भी खेल सकते हो तुम. एंड लास्टली स्टाइलिंग वाले टैब में आके तुम विजुलाइजर के कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हो अपने वॉलपेपर के हिसाब से. सो ये सब हो जाने के बाद मॉन्स्टर कैट की सेटिंग्स को क्लोज कर देना एंड दैट्स इट. बट हाँ, अगर तुम्हें बाद में कुछ चेंज करना है, बाद में हाइट वगैरह को चेंज करना है, तो यहाँ नीचे एरो में रेनमीटर का आइकन मिलेगा, इस पे राइट क्लिक करके मैनेज वाले पे क्लिक करना एंड यहाँ से तुम्हें मॉन्स्टर कैट का एक फोल्डर मिलेगा. तो उस फोल्डर में एक सेटिंग्स वाला फोल्डर होगा एंड सेटिंग्स वाले फोल्डर में जनरल मिलेगा तुम्हें, जनरल पे क्लिक करके इसको लोड कर लेना एंड फिर से वही मॉन्स्टर कैट का सेटअप पेज खुल जाएगा एंड देन अपने हिसाब से फिर से चेंज कर लेना. तो ये तो केवल म्यूजिक विजुलाइजर था, बट जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि रेनमीटर स्किन्स बहुत सारी हैं, तो उनको यूज करके तुम और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे एंड पॉसिबिलिटीज एंडलेस है बिल्कुल. जैसे कि मैंने ये क्लॉक को ऐड करा, तो क्लॉक के अलावा और भी बहुत कुछ चीजों को ऐड कर सकते हो तुम. सो अगर तुम एक और वीडियो देखना चाहते हो रेनमीटर स्किन्स पे तो जरूर कमेंट करके बताना. तो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर देना, अगर नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट कमेंट में बता देना कि हाँ भाई क्या सही नहीं लगा. बाकी सब्सक्राइब करने की कोई आफत नहीं आ रही, एक दो वीडियोस को और चेकआउट कर लो एंड अगर वो भी बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना. सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.